हेलो एवरीवन, सुपर डुपर में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्पाई एक्स फैमिली चैप्टर 8 को, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल में टीचर आन्या को सवाल पूछते हैं और आन्या कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होती है और बिल्कुल गलत जवाब देती है। सभी उसका उत्तर सुनकर उसे देखते रह जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट एक एजेंट के साथ बात कर रहा है। वह एजेंट उसे कहती है कि तुम्हें इन 4 महीनों में 8 स्टेला स्टार लाना होगा। तो वह कहता है ये तो आसानी से हो जाएगा। वह मन ही मन सोचता है आन्या जैसा कर रही है उससे तो यही लगता है कि उसे 2 महीने में 8 टोनी ट्रेस बोल्ट मिल जाएंगे। फिर वो एजेंट कहती है कि सिटी हॉल में काम करने वाला हमारा खबरी पकड़ा गया है, इसलिए तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। इस कंट्री की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी कमजोर नहीं है। उधर सिटी हॉल में काम कर रही योर और उसके कलीग्स यहाँ स्पाई को पकड़े जाने की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ कैमिला आती है और योर से कहती है मेरा बॉयफ्रेंड बता रहा था कि तुमने अपनी शादी के बारे में अपने भाई यूरी को नहीं बताया। यह सुनकर योर घबरा जाती है और सोचती है मैं तो भूल ही गई उसे बताना और उसे अपना नया नंबर भी नहीं दिया है मैंने। फिर उसकी दोस्त कहती है तुम्हारा भाई तुम्हारी इतनी परवाह करता है, तुम्हें यह सब उसे बताना चाहिए। इसके बाद स्टेट सिक्योरिटी सर्विस का ऑफिस दिखाया जाता है जहां सिटी हॉल में पकड़े गए स्पाई से वे लोग पूछताछ करते हैं। उनका मकसद है अपने देश में शांति बनाए रखना। स्पाई को पकड़ना और अपने सिटीजन पर नजर रखना उनका मेन ड्यूटी है। इसके लिए वे वायलेंस और टॉर्चर का भी इस्तेमाल करते हैं। लोग इन्हें सीक्रेट पुलिस कहते हैं और इनसे डरते भी हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट उस खबरी से पूछताछ कर रहा होता है कि तभी सेकंड लेफ्टिनेंट वहां आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि सर बॉस ने आगे का काम मुझे संभालने को कहा है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट ओके कहकर चले जाते हैं। ये सेकंड लेफ्टिनेंट है यूरी ब्रायर जो कि योर का भाई है। ये एक सीक्रेट पुलिस है। उधर यूरी के कलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि बॉस ने इतने छोटे से लड़के को सीक्रेट पुलिस में भर्ती कराया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लगता है ये सिफारिश से ही आया है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट कहते हैं जो भी हो वह अपना काम अच्छी तरह से जानता है। उधर यूरी उस खबरी से पूछताछ कर रहा है। यूरी कहता है मेरी बड़ी बहन भी सिटी हॉल में काम करती है और आज मैं उसकी शादी की सेलिब्रेशन में जाने वाला हूँ, तो चलो ये काम जल्दी खत्म करते हैं। खबरी कहता है मैं कुछ नहीं जानता। तभी यूरी उसे कुछ फोटोज दिखाता है। यह देख वो घबरा जाता है और कहता है मैंने कुछ पैसे के बदले ये पेपर्स दिए थे, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर यूरी उसे कहता है क्या तुम ट्वाइलाइट नाम से वाकिफ हो? ये वेस्ट का एक स्पाई है और चेहरा बदलने में मास्टर है। वो इस दुनिया के लिए खतरा है, उसे पकड़ने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यह सुनकर वह खबरी और डर जाता है और कहता है मैंने बस ये पैसों के लिए किया है, मैं पॉलिटिकल क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे जाने दो। यूरी उसका सर टेबल पर पटक देता है और कहता है तुम्हारे लिए ये कागज के टुकड़े हैं लेकिन इसकी वजह से हमारा देश खतरे में है। मैं अपनी फैमिली को प्यार करता हूँ और अपनी बड़ी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि आन्या ध्यान से स्पाई शो देख रही होती है। उसे देखकर ट्वाइलाइट सोचता है काश ये इतना ध्यान लगाकर पढ़ाई भी करती। तभी शो में बोला जाता है कि बॉन्डमैन के पास 2 गोलियां बचे हैं, अब आगे क्या होगा। आन्या टॉयलेट से पूछती है कि बॉन्डमैन के बंदूक में कितनी गोलियां होती होंगी। टॉयलेट कहता है 8 हो सकती है। तो इस पर आन्या कहती है इसका मतलब उसके पास 2x8 गोलियां है। यह सुनकर टॉयलेट खुश हो जाता है और वह सोचता है कि ये तो एनिमे से जल्दी सीखती है। तभी योर वहां दौड़ते हुए आती है और कहती है एक मुसीबत आ पड़ी है, यूरी घर आ रहा है। यह सुनकर टॉयलेट भी चौंक जाता है। फिर वे लोग उसके लिए घर की तैयारी करने लगते हैं। टॉयलेट कहता है कि मैंने ऐसे वक्त के लिए कपल एक्सेसरीज की तैयारी कर रखी है। ये देखकर दोनों शर्मा जाते हैं। तभी आन्या कहती है मामा और पापा फ्लर्ट कर रहे हैं। दोनों एक साथ कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं। रात के 9 बज गए, वे लोग यूरी का वेट कर रहे हैं। आन्या को नींद आने लगती है और वह सो जाती है। वहाँ यूरी फूलों का गुलदस्ता लेकर आ रहा होता है। वह बहुत खुश है कि बहुत दिनों बाद वह अपनी बहन से मिलेगा। तभी वह लड़खड़ा जाता है और उसकी छाती में दर्द होता है और वह कहता है बहन ने जो मेरी हड्डी तोड़ी थी उससे आज भी बहुत दर्द होता है, उसका यह प्यार मुझे अब भी बहुत भारी पड़ रहा है। फिर वो सोचता है बहन ने उससे अपनी शादी के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या उसका पति बुरा इंसान तो नहीं। अपनी बहन के लिए मैं इस देश की सारी गंदगी साफ कर दूंगा चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो, अगर उसने मेरी बहन को डराया होगा तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा। फिर वह सोचता है कि कुछ भी हो बस उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं सीक्रेट पुलिस में हूँ। वही टॉयलेट सोचता है कि मुझे अपना और अपने फैमिली का राज सबसे छुपाना होगा चाहे वो योर का भाई ही क्यों ना हो। तभी डोरबेल बजती है और यूरी अंदर आता है। टॉयलेट और यूरी दोनों हंसते हुए हाथ मिलाते हैं लेकिन दोनों मन ही मन सोचते हैं मुझे पता लगाना ही होगा कि ये आदमी मेरे फैमिली के लिए खतरा तो नहीं।
यूरी टॉयलेट पर विश्वास नहीं करता। वह योर को कहता है, तुमने शादी की बात एक साल तक मुझसे क्यों छुपाई? टॉयलेट सब सुन रहा होता है और सोचता है, इस बारे में मैंने योर से पहले ही बात की थी कि यूरी को सब कुछ बता दो, लेकिन उसने डर से नहीं बताया। उसने बताया था कि उसने सोच रखा है कि क्या बोलना है। तभी योर यूरी से कहती है, मैं भूल गई। यूरी और टॉयलेट आंसर सुनकर चौंक जाते हैं। फिर यूरी कहता है, पर हमने पिछले दिनों जब फोन में बात की थी तब क्यों नहीं बताया? योर हकलाते हुए कहती है, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें बताना भूल गई हूँ। यूरी कहता है, तुम कह रही हो तो सच ही होगा, और उससे माफी मांगता है। यह सुनकर टॉयलेट चौंक जाता है। उसके हाथ से प्लेट छूटकर टूट जाता है। वह सोचता है, क्या इसने इस पर यकीन कर लिया? शायद इनके लिए यह नॉर्मल है। टॉयलेट यूरी को खाना परोसता है तो यूरी सोचता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे सिस्टर के बीच आने की। फिर खुद को समझाता है, मुझे अपना एटीट्यूड बदलना होगा वरना बहन मुझसे नफरत करेगी। यूरी को खाना बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन फिर भी मन ही मन टॉयलेट को विलेन बोल रहा होता है। फिर यूरी कहता है, मैंने वाइन लाया है। टॉयलेट कहता है, इसकी क्या जरूरत थी? तो यूरी सोचता है, ताकि तुझे नशे में डालकर तेरी असली सच्चाई जान सकूं। फिर यूरी कहता है, आप लोग कैसे मिले? तो टॉयलेट कहता है, एक बुटीक में मिले थे। योर कहती है, ये मुझे घूर रहे थे, मैं तो हैरान हो गई थी। टॉयलेट कहता है, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। फिर वो टॉपिक चेंज करके कहता है कि डिनर के बाद पता चला कि हम में बहुत सी बातें कॉमन है। इसके बाद यूरी सवालों पर सवाल करने लगा। टॉयलेट ये देखकर सोचता है कि ये तो पुलिस की तरह सवाल कर रहा है। यूरी सोचता है, मेरी बहन को इसमें क्या पसंद आया होगा? माना कि यह दिखता अच्छा है, अच्छा खाना बनाता है, लंबा चौड़ा है। यूरी को उसमें कमियां दिखती ही नहीं और वो जलन के मारे और अधिक वाइन पीने लगता है। टॉयलेट सोचता है, दोनों भाई बहन हद से ज्यादा ही पीते हैं। फिर बातों ही बातों में टॉयलेट को पता चल जाता है कि वो सीक्रेट पुलिस है। वह सोचता है, मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरी आइडेंटिटी इसे पता न चले, यह आदमी मेरे काम आ सकता है। वह यूरी को फिर से मिलने की बात करता है और यह भी पता चलता है कि यूरी ने अपनी सीक्रेट पुलिस वाली बात अपनी बहन से भी छुपाई है। अचानक यूरी टेबल पर जोर से हाथ मारता है और कहता है, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। फिर वह आगे कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, हम बहुत गरीब थे। उस समय तुमने दिन रात मेहनत करके मेरी देखभाल की है, मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा कराया, और आज जब मेरी बारी है तो इस आदमी ने तुमको मुझसे अलग कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप शादी करो और खुश रहो, लेकिन वो आदमी ऐसा होना चाहिए जो मुझसे ज्यादा तुमको प्यार करे। फिर वह लॉयड से पूछता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इस पर लॉयड कहता है, मैं योर से उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करते हो। मेरी बेटी भी उसे बहुत प्यार करती है। ये मेरी फैमिली है। भले ही आसमान से गोले बरसे या मीटियोर की बारिश हो, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना ही इसे बचाऊंगा। यह सुनकर यूरी चौंक जाता है। वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी टेबल पर पानी गिर जाता है और उसे साफ करते हुए योर और लॉयड के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं। वो दोनों शर्मा जाते हैं। इसे देखकर यूरी कहता है, शादी के एक साल होने पर भी हाथ टच होने पर तुम लोग शर्मा रहे हो? क्या सच में तुम्हारी शादी हुई है? यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और शादीशुदा होने का दिखावा करने लगते हैं। यूरी कहता है, मुझे प्रूफ चाहिए कि सच में तुम्हारी शादी हुई है। वो कहता है, एक दूसरे को किस करो। दोनों ये सुनकर घबरा जाते हैं। यूरी कहता है, शर्माओ मत, बस एक बार किस करो ताकि मुझे यकीन आ जाए कि तुम लोग सच में शादीशुदा हो। लॉयड बहुत सोचता है। अपने मिशन के नाते वह किस करने को तैयार है और योर से कहता है, हम तो ये हमेशा ही करते हैं, चलो कर लेते हैं। योर ये सुनकर घबरा जाती है और सोचती है, शादी को बरकरार रखने के लिए हमें ये करना ही होगा। तभी लॉयड उसे पकड़ता है और किस करने को आगे बढ़ता है। यहाँ योर बहुत ही अधिक घबरा जाती है और यहीं पर यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।